स्क्रीन आ रही है ना? नो फुल स्क्रीन नहीं आ रही है ना? अभी बताएं। सर। ओके वेरी गुड। तो सभी लोग अपना अपना एफ्रेश लेके बैठे हैं पास में, और 10 से 15 मिनट अपने बात करेंगे बीएफए के ऊपर। आज अपना जो टॉपिक है, ये देख सकते हैं आप लोग स्लाइड जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो उसके अंदर क्या दिखाया गया है, एक साइड पे फैट है। तो फैट मैंने उस दिन बताया था, फैट अपनी बॉडी को चाहिए और गुड वाला फैट चाहिए ना। 10 से 20% तक अपनी जेंट्स को फैट चाहिए और लेडीज को 20 से 30% तक चाहिए। ये बार का फैट होता है, ठीक है? कितने परसेंट तक चाहिए, आपके कोच से बात करें और कैसे ये चेक होता है ये आपको बता देंगे। और वीएफए की बात करें, ये बार का फैट, जैसे जैसे अपनी बॉडी के अंदर बार का फैट बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, ठीक है? मोटापा अपनी बॉडी के अंदर, जैसे जैसे बार का मोटापा बढ़ता जाता है अपनी बॉडी के, तो उसी तरीके से धीरे धीरे ये अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। अंदर जाएगा तो ये एक बहुत ही खतरनाक फैट होता है जो अपनी बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है? अपनी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो वीएफए बोलते हैं उनको। नेक्स्ट करेंगे आगे अपने। और ये कितना चाहिए, ये देख सकते हैं किस तरीके से फैट बढ़ा हुआ है, स्क्रीन के सामने आ रहा है आपके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है आपके मोबाइल के ऊपर। तो वीएफए है ना, कितना बढ़ चुका है। तो 0.5 से लेके 9 तक चाहिए नॉर्मल, 0.5 से लेके 9 तक नॉर्मल चाहिए। तो अगर आपका ज्यादा है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है आपकी बॉडी के अंदर, बहुत खतरनाक है ये अंदर का फैट, ठीक है? तो ये देख सकते हैं, 90% अपनी बॉडी के अंदर, अगर अंदर का फैट बढ़ गया तो 90% बीमारियों का कारण है। 90% अपनी बॉडी के अंदर अंदर के फैट से बीमारियां आती हैं। तो ये हार्ट की शेप दिखाई गई है, पिक्चर आ रही है आपके पास हार्ट की, ठीक है? तो एक एक साइड पे है 7% वाला जो व्हाइट पे दिखा रहा है, ठीक है? व्हाइट फैट लग है अपने हार्ट के ऊपर, और दूसरी साइड है जो कि 7% दिखा रहा है ना, और दूसरी साइड है 15%, यानी कि 15% दिखा रहा है। येलो हो चुका है पूरा हार्ट, येलो पूरा जकड़ चुका है फैट को, हार्ट को फैट ने जकड़ रखा है, ठीक है? येलो येलो फैट फैट आ चुका है। तो ये बीमारियों का कारण है। अगर 15 से ऊपर जा रहा है आपका, जैसे ही जाएगा तो ये बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब कुछ अपनी बॉडी में आने वाला है, ठीक है? तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये देख सकते हैं आप लोग, ये हार्ट की ना एक वेन को निकाल के दिखाया गया है, काट के ना उसको दिखाया गया है कि किस तरीके से अपने अंदर का फैट बढ़ता है, किस तरीके से अपने अंदर का फैट बढ़ेगा, चर्बी अंदर ब्लड के अंदर बढ़ेगी तो हार्ट की प्रॉब्लम कैसे आती है, ब्लॉकेज कैसे आती है। तो ये दिखाया गया है, इस तरीके से ब्लॉकेज आनी स्टार्ट हो जाती है, अपने अंदर का फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड के अंदर, वेन्स के अंदर बढ़ेगा, ठीक है? ओके, तो ये वेन्स की शेप है, देख सकते हैं आप लोग, एक साइड पे पूरी नॉर्मल है, ठीक है? नॉर्मल है, धीरे धीरे फैट बढ़ता है अपनी वेन्स के अंदर, अंदर का फैट होता है जो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखें, इनके अंदर फर्स्ट वाली में बिल्कुल भी फैट नहीं है और धीरे धीरे ये बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये ब्लॉकेज का लास्ट में जो दिखाई गई है वेन काट के दिखाई है, इसके अंदर देख सकते हैं आप लोग कितना फैट बढ़ चुका है और एकदम से ब्लॉक हो चुकी है ना वेन। तो इस तरीके से हार्ट की प्रॉब्लम आती है अपनी बॉडी के अंदर। तो ये भी देख सकते हैं, इस स्लाइड के अंदर भी देखें कैसे नॉर्मल वेन्स होती हैं और धीरे धीरे कैसे फैट बढ़ता है अंदर का और वेन्स के अंदर चला जाता है। तो किस तरीके से ये काट काट के दिखाया गया वेन्स को, अलग अलग तरीके से, है ना? ओके, तो ये देखें इसके अंदर भी दिखाया गया है। सोचें कैसे अंदर का फैट बढ़ता है और कैसे ये ब्लॉकर्स प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, और इस तरीके से दिखा चुके हैं, ठीक है? तो ये देख सकते हैं, इसके अंदर अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं अपने, जैसे कि लिवर की बात करें, लिवर जो हेल्दी लिवर है वो रेड वाला है ना, रेड वाला, रेड शेप में है जो हेल्दी लिवर है। और दूसरा है जो फैट चढ़ चुका है उसके अंदर, फैटी लिवर बोला जाता है, क्योंकि ऑर्गन्स के ऊपर अगर फैट आएगा तो वो फैटी लिवर, फैटी किडनी इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है? और हार्ट के आसपास फैट आपको पहले दिखा चुका हूं मैं किस तरीके से बढ़ता है। ओके, जो बढ़ता क्यों है, ये बढ़ता क्यों है, देखें अपने क्या कर रखा है अपनी बॉडी को, डस्टबिन बना रखा है अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी को डस्टबिन बना रखा है। जो भी चीज आई चलो अंदर, है ना, खा लेते हैं अपने, जो भी चीज आ गई उसको खा लेते हैं, ठीक है? जैसे चाय आ गई तो खा पी ली, और कॉफी पी ली, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने खाते रहते हैं, फास्ट फूड हो गया, है ना। डस्टबिन बना रखा है अपने अपनी बॉडी को, कुछ भी देखते नहीं है इसके अंदर क्या चीज है, क्या डाला गया है, क्या नहीं है, वो अपने सीधी सीधी पेट में जाती है, ठीक
तो इस स्लाइड के अंदर देखेंगे क्या क्या चीजें ऐसी खाते हैं जिनसे ये सब कुछ होता है, बीएफए बढ़ता है या बार का फैट कैसे बढ़ता है। तो ऑयली अपने ज्यादा लेते हैं, तो ऑयल ज्यादा, जितना ज्यादा घी तेल खाएंगे अपने तो बार का फैट बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे अंदर जाएगा, ठीक है। और परांठे, नॉनवेज, फास्ट फूड, ये सब कुछ अपने बहुत ज्यादा खाते हैं, कैलोरीज इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, तो अपने अंदर का फैट और बार का फैट बढ़ता है, ठीक है। और नमक, साल्ट वाली चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, स्पाइसी हो गया, नमकीन जैसे भुजिया वगैरह, ये सब कुछ अपने बहुत ज्यादा खाते हैं, तो इस तरीके से बढ़ेगा फैट। और स्पाइसी समोसा, पिज्जा, बर्गर, गोलगप्पे, फास्ट फूड के अंदर आ गए ना, तो फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाएंगे तो ये अंदर का फैट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। पहले बाहर का बढ़ेगा, फिर अंदर का बढ़ेगा। और शुगर, शुगर वाली, मीठे वाली चीजें, जितनी भी मीठे वाली चीजें अपने खाएंगे, जैसे टी, कॉफी, स्वीट्स, जितने भी स्वीट्स खाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होएगा, बार का फैट बढ़ेगा, मोटापा आएगा अपनी बॉडी के अंदर, तो फिर ये अंदर जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक, जितने भी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं लोग, कोल्ड ड्रिंक से क्या होता है, कैल्शियम लेवल ज्यादा बढ़ता है, कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, कैल्शियम लेवल का मतलब है फैट बढ़ रहा है आपके अंदर, वेन्स के अंदर। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखें अपनी बॉडी को क्या चाहिए ना, अपनी बॉडी को क्या चाहिए, ये क्या जा रहा है अपनी बॉडी के अंदर, वेट करें, ये सब कुछ होता क्यों है, देखते हैं रिजल्ट क्या निकला है इसका। इसका रिजल्ट निकलता है अपने कैलोरी ज्यादा जा रही है अपनी बॉडी के अंदर, और न्यूट्रिशन वैल्यू जो अपनी बॉडी को पोषक तत्व चाहिए वो बहुत ज्यादा कम जा रहे हैं, तो इसी कारण से अपनी बॉडी के अंदर फैट बढ़ता है, ठीक है। कैलोरी ज्यादा जा रही है अपने खाने के अंदर, कैलोरी ज्यादा है आज के टाइम में, और न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, उस तरीके से बढ़ता है। न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को, जैसे कि डेली की जरूरत है ना, डेली की जरूरत है अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन, कौन कौन सा न्यूट्रिशन क्या चाहिए अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी को प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, ये सब कुछ चाहिए है ना। तो अगर अपनी बॉडी के अंदर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग लगाते हैं, है ना, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग लगाते हैं वेट कम करने के लिए, फैट कम करने के लिए, तो उससे क्या होता है, अंदर का फैट नहीं जाएगा, हो सकता है आपका वेट कम हो जाए, अंदर का फैट नहीं जाएगा, अंदरूनी फैट जो है आपका बीएफए बढ़ चुका है वो नहीं जाएगा। अगर आप जितनी देर तक, क्या नहीं लोग हैं, जितनी देर तक अपनी, आपकी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा प्रॉपर, प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, तब तक अपनी बॉडी में से ये अंदर का फैट रिमूव होने वाला नहीं है, समझ आए इसी चीज को, ठीक है। और रनिंग एक्सरसाइज से अपनी बॉडी फिट रहेगी, अपने फिट रह सकते हैं, वेट कम कर सकते हैं, लेकिन अगर अंदर का फैट कम करना चाहते हैं तो अपने न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से यूज करना पड़ेगा अगर अपने अंदर का फैट निकालना चाहते हैं। तो व्हाट इज फूड एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या चीज है ना, टीजीडीए का नाम है न्यूट्रिशन, कहाँ से मिलता है, खाने से ही मिलता है अपने, अगर जितना भी अपने खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, जो भी चीज अपने खाते हैं ना, उसमें से न्यूट्रिशन मिलता है अपने, ठीक है। फ्रूट से जैसे विटामिन मिलते हैं, चपाती खाते हैं, विटामिन एंड प्रोटीन मिलता है ना, तो जितना भी अपने खाना पीना जो भी खाते हैं अपने, उससे न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन आज के टाइम में अपने खाने के अंदर क्या जा रहा है, केमिकल पेस्टिसाइड जा रहा है अपने खाने के अंदर, और अपने खुद ने क्या किया हुआ है, जैसे अभी अपने स्लाइड के अंदर देखा, डस्टबिन बना रखा है अपनी बॉडी को, ठीक है। और ये कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, ये चीजें खाते हैं, इनके अंदर न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत ही ज्यादा, होता ही नहीं है, पहली बार इसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, इसके अंदर क्या मिलता है, अपने कैलोरीज, कैलोरीज ज्यादा मिलेगी जिससे फैट बढ़ता है, ठीक है। तो फूड से ही अपने न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन अपनी बॉडी को डेली रूटीन में क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। खाना अपने पेट भरने के लिए खाते हैं, खाना अपने पेट भरने के लिए खाएंगे, और न्यूट्रिशन अपनी बॉडी की डेली जरूरत है, अपने ऑर्गन्स की जरूरत है डेली रूटीन में, ठीक है। और कहाँ से पूरा कर सकते हैं, कहाँ से पूरा कर सकते हैं, खाने में आज के टाइम में न्यूट्रिशन नहीं है इतना ज्यादा, खाने के अंदर इतना ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं है, तो अपने बाहर से न्यूट्रिशन लेना ही पड़ेगा। जो आप न्यूट्रिशन यूज करते हो, वर्ल्ड का नंबर वन न्यूट्रिशन है, वर्ल्ड का नंबर वन न्यूट्रिशन, बेस्ट खाना है, खाने की जगह पे खाना ही है,
आप न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से यूज करोगे, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन विटामिन ये सब कुछ जा रहा है, तो आपका अंदर का फैट भी रिमूव होएगा, ठीक है। बाहर का फैट तो रिमूव हो ही रहा है, बाहर का फैट तो बहुत सारे लोग कम कर रहे हैं, है ना, तो अंदर का फैट भी रिमूव होएगा अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन जा रहा है तो, ठीक है। तो कौन कौन सा न्यूट्रिशन अगर आपकी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम लेवल या इस तरीके का अंदर का फैट ज्यादा बढ़ चुका है, तो कौन कौन सा न्यूट्रिशन अपने शेक प्रोटीन एफएएच के साथ ऐड कर सकते हैं। शेक प्रोटीन एफएएच तो ले रहे हैं अपने, उसके साथ साथ कौन सा न्यूट्रिशन ऐसा है जो अपने एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हैं जिससे ये जल्दी जल्दी फैट रिमूव होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अंदर के फैट से 90% तक बीमारियां बनती हैं, बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं अपनी बॉडी के अंदर 90% तक बीमारियां अंदर के फैट से बनती हैं। तो कौन कौन सा न्यूट्रिशन है लिख लें आप लोग, आप अपने कोच से बात कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं खुद के कार्ड, अगर आपका कार्ड बना हुआ है कंपनी के अंदर तो आप अपने कार्ड से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखें कौन कौन सा न्यूट्रिशन है। नंबर एक मैंने पहले दिन ही बताया, गुड फैट जो होता है ओमेगा थ्री, गुड फैट होता है जो ओमेगा थ्री कैल्शियम लेवल को कम करेगा। अगर अपने बैलेंस बना के रखेंगे गुड और बैड फैट का, तो अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा ये नहीं पड़ेगा बैड फैट, ठीक है। अगर अपने ज्यादा, अपने ज्यादातर अपने क्या ले रहे हैं आज के खाने के अंदर, क्या जा रहा है अपनी बॉडी के अंदर, जैसे कि अपने बात करें ओमेगा सिक्स फैट, ओमेगा सिक्स की फैट की बात की थी ना, तो ओमेगा सिक्स अपने ज्यादा ले रहे हैं जिससे कैल्शियम लेवल ये सब कुछ हो रहा है, बीपी की प्रॉब्लम सब कुछ हो रहा है ना, तो अपने चाहिए ओमेगा थ्री, ठीक है। और बैलेंस बना के रखना पड़ेगा ओमेगा थ्री का और ओमेगा सिक्स का, अगर बैलेंस नहीं बढ़ाएंगे तो ये ओमेगा सिक्स बढ़ेगा फिर तो बहुत सारी बीमारियां। तो ओमेगा थ्री है हर्बल लाइफ लाइन के अंदर मिलेगा आपको, हर्बल लाइफ लाइन ओमेगा थ्री कैप्सूल आते हैं तो आप वो ऐड करें, अभी सर्दी भी है तो बहुत बढ़िया रहेंगे, हार्ट के लिए बहुत बढ़िया, हार्ट के लिए स्पेशली, ठीक है। कैल्शियम लेवल को भी बढ़िया रखेंगे, हार्ट को भी बढ़िया रखेंगे, आंखों के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो स्किन के लिए बहुत बढ़िया, बालों के लिए बहुत बढ़िया ये, ठीक है। अगर ओमेगा थ्री अपने लेंगे तो डेली रूटीन के अंदर दो कैप्सूल लेने हैं सुबह और शाम, तो जैसे अपने जो भी अपने दूध से बनी जो भी चीजें हैं उनके अंदर 1 से 1.5 घंटे का गैप जरूर रखें। अगर आप वो ओमेगा थ्री कैप्सूल ले रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटे का गैप रखना है, बाकी आप अपने कोच से कंसल्ट कर लें, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर देंगे, ठीक है। और दूसरा कौन सा है अंदर के फैट को रिमूव करने के लिए, जो आपका अंदर का फैट बहुत सारे लोगों का 20-20-30-30 आता है, ठीक है। अपने कोच से बात करें और चेकअप भी करवा सकते हैं अपना कि किस तरीके से बढ़ता है, कैसे ये परसेंटेज पता चलती है कितने परसेंट मेरी बॉडी के अंदर फैट है, ठीक है। तो बीटा आर्ट के नाम से है दूसरा प्रोडक्ट, बीटा आर्ट के नाम से है ये, बीटा आर्ट अगर ऐड करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो अपने कैल्शियम लेवल बढ़ चुका है, कैल्शियम लेवल बढ़ चुका है जहाँ अंदर का फैट काफी ज्यादा है, तो ये इसको रिमूव करेगा जल्दी से जल्दी। तो शेक के अंदर ही ऐड करना होता है, पाउच सिस्टम, पाउच है इसका, इसका एक पाउच आपने शेक के अंदर ही ऐड करना है, पानी में भी ले सकते हैं शेक के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में ही है, ठीक है। और तीसरा जो आता है सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट है अंदर के फैट को रिमूव करने के लिए, जैसे अपने हार्ट की प्रॉब्लम आती है ना, हार्ट की प्रॉब्लम आती है ज्यादातर रात के समय में आती है, रात के समय, रात के टाइम 1-2 बजे के बाद ही आती है और 5-6 बजे से पहले पहले, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि अपनी जो बॉडी है ना, वेन्स है अंदर, ब्लड के अंदर नाइट्रो ऑक्साइड बनना बंद हो जाता है, जब अपने चलते फिरते रहते हैं एक्टिविटी होती रहती है उस टाइम बनता है ये नाइट्रो ऑक्साइड, और जब रात के समय रेस्ट मोड में जाएंगे अपने तो ये नाइट्रो ऑक्साइड बनना कम हो जाता है, ठीक है, बनना कम हो जाता है, और बहुत सारे लोगों का तो बनता भी नहीं है। इससे क्या होता है, ब्लड गाढ़ा होना स्टार्ट होता है, ब्लड गाढ़ा होएगा तो क्या होएगा, ब्लॉकेज आएगी ना, ब्लॉकेज आएगी तो हार्ट की प्रॉब्लम आएगी आएगी, ठीक है। तो इसके लिए है नाइट वर्क के नाम से एक प्रोडक्ट है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, ब्लड को पतला रखेगा, कैल्शियम लेवल को कम करेगा, और जिसको नींद नहीं आती ना, कितने लोगों को नींद आती है, नहीं आती, कितने लोगों को नींद नहीं आती अच्छी अच्छी नींद, बच्चों की तरह नींद सोना चाहते हो, नींद अच्छी आए, नींद अच्छी आएगी तो बॉडी सही रहेगी ना, एक्टिव रहेगी बॉडी, अगले दिन उठेंगे तो एक्टिव रहेंगे, ठीक है, अगर सही प्रॉपर तरीके से नींद आई है। अगर नींद नहीं आ रही प्रॉपर तो आपको समझे ब्लड गाढ़ा है, ठीक है। दूसरा टेंशन है, या फिर सुबह सुबह सो लेते हो, रात को नींद नहीं आती तो
सुबह हार्ड वर्क करें, और अगर नींद नहीं आ रही प्रॉपर तरीके से तो एक्सरसाइज करें, एक्टिविटी करें, है ना, एक्टिव रखें बॉडी को। अगर अपने एक्टिव रहेंगे और एक्सरसाइज करते हैं आप, तो रात को नींद अच्छी आएगी। और दूसरा, आप नाइट वर्क ऐड कर सकते हैं। रात को सोते समय एक चम्मच आप पानी के अंदर डाल के, नाइट वर्क का सोने से आधा घंटा पहले वो डाल के ले लें, तो आपको नींद भी अच्छी आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अपने कोच से बात करें, ये ब्लड को भी पतला करेगा और अपने नींद भी अच्छी आएगी। ठीक है, स्टेमिना भी बढ़ा देता है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो 15 मिनट 20 मिनट कर रहे हो और थक जाते हो, अगर आप नाइट वर्क ले रहे हो, तो आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। आधा घंटा करोगे, 40 मिनट करोगे, 50 मिनट भी करोगे, 1 घंटे तक भी करोगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो ओके, अभी किसी ने कुछ पूछना है, या अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं, या बीपी की प्रॉब्लम थी पहले, मान लो न्यूट्रिशन यूज करने से पहले बीपी की प्रॉब्लम थी, या एसिड बन रहा था, कुछ भी हो रहा था, तो आप अपना रिजल्ट भी शेयर कर सकते हैं।